केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून के विरोध में जहां कई किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हिमाचल में किसान इस बिल को अपने लिए लाभकारी बता रहे हैं। जिला हमीरपुर के किसानों का मानना है कि इस बिल के माध्यम से उन्हें अपनी फसल को दूसरे क्षेत्रों में बेचने का अवसर मिल पाएगा और उनको अपने उत्पादों पर अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। तो ये राय है कि ये जो हमारा किसान बिल है, इससे जैसे पहले हमें लगभग 50,000 1,00,000 तक का मुनाफा होता था, अब किसानों को थोड़ा और ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि मंडियों तक ही सीमित थे। मंडियों तक हम अपना जो अनाज था या जो सब्जियां थी वो बेचते थे, उससे हम उतना एक फिक्स प्राइस होता था, उससे हम इतना मुनाफा नहीं हमें मिलता था। अब हमें ये है कि जैसे ही ओपन हुआ है तो हम बाहरी राज्यों में भी अपनी सब्जियाँ या अनाज वगैरह जो है वो दे सकते हैं, जिससे हमें और मुनाफा जो होने की गुंजाइश है और हमें आशा भी है। हमीरपुर के किसान प्यारेलाल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा लोकसभा में पारित कृषि बिल किसानों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसके आने से अब छोटे किसानों को अपनी फसल को बिना बिचौलियों के बेचने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब किसान स्वयं विभिन्न मंडियों में जाकर अपने मन मुताबिक फसल के दाम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आय में वृद्धि होगी। भारत सरकार ने जो कृषि सुधार कानून लोकसभा में पारित किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक किसानों के हित में है। इससे किसानों की आय दुगने करने की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी, इससे प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति कितने जागरूक हैं। और वर्तमान में कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वास्तविकता से परे है। इस कानून के आने से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, किसान अपना उत्पाद कहीं भी किसी भी स्थान पर बेच सकता है, और जो प्रधानमंत्री किसान के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये भेज रहा है, क्या वो किसानों के हित में नहीं है? भारत वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी सरकार ने किसानों के बारे में सोचा है। नहीं तो किसान अपने उत्पाद को बिचौलियों के हाथों मंडियों में ले जाकर बेचता था, उन्हें कम दाम मिलता था, लेकिन आज वो कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है और अपनी अच्छी जो उसकी फसल की कमाई है अपने आप ले सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसानों को भ्रम में डालकर, बहकाकर कुछ दल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। सरकार आज भी उन किसानों से बात करने के लिए तैयार है, और जो भी भ्रम है, जो भी शंका है, उसके समाधान के लिए सरकार से बात करें और उसका समाधान वहाँ निकल जाएगा। यही मेरी हिमाचल के किसानों से अपील है कि समर्थन करें इसका, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उसका समर्थन करें, उसका पालन करें, ये किसानों के हित में है। किसी भी सरकार ने आज तक किसानों के बारे में ऐसा नहीं सोचा था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है। किसानों में हित में बहुत बड़ी बात है। पहले हम मंडियों में जाते थे, वहाँ बिचौलियों के माध्यम से आड़तियों को सामान देते थे, लेकिन अब अपना सामान हम कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं और उसका उचित मूल्य हमें मिल सकता है। वही सब्जी उत्पादन करने वाली महिला बीना शर्मा ने बताया कि कृषि बिल से किसानों को लाभ होगा और इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पहले सब्जी मंडियों में बेची जाती थी, लेकिन इस बिल के बाद किसान सीधे अपनी सब्जियों को किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। केंद्र सरकार मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अच्छा डिसीजन है, जिन्होंने हमें बिचौलियों से भी राहत मिली है, और जो हमारा सामान पहले बिकता था कम इस पे, तो अब हमें 1,00,000 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे भी हमें फ़ायदा मिलेगा और बिचौलियों से राहत मिली है। बहुत अच्छा फैसला है मोदी जी का। पहले हम मंडियों में जो सामान देते थे तो उनसे इतना फ़ायदा नहीं था, बाहरी राज्यों में भेज रहे हैं तो उससे हमें काफ़ी फायदा मिल रहा है। दिलेराम ने बताया कि कृषि बिल का समर्थन करते हैं, क्योंकि अब बिचौलियों से किसानों की जान बची है और अब किसान स्वयं ही पूरा लाभ कमाएगा। उन्होंने बताया कि पहले बिचौलियों के द्वारा किसानों को कम रेट दिया जाता था, लेकिन अब किसान सीधा मंडी में जाकर अपनी फसल को बेच पाएगा, जिससे पूरा फायदा मिलेगा। के असी इस बिल का समर्थन करते हैं एज ए किसान होने के नाते, तो इस दे नाल किसानां दी आय जिहड़ी है वह दुगनी होएगी, क्योंकि बिचौलियां तो जान बची है।
बिचौलिए जड़े सी वो किसानों नू लुटदे सीगे, इस तो बचाव हो गया। किसान जड़े है वो अपनी अनाज की फसल जड़ी है जड़ी मंडी च बेच सकते हैं और अपनी मतलब सरकार दे रेट तो वधिया रेट लै सकते हैं, घट नहीं मिलेगा। जबकि बिचौलिए पहला इन्हों का घट रेट लैके किसानों नू लुटदे सी, इस करके असी इसका खुल के समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में किसानों के द्वारा अधिकतर गेहूं मक्की की बिजाई प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अलावा सब्जी आलू टमाटर की फसल भी उनकी आय में बढ़ोतरी होती है और अब कृषि बिल के लागू होने से हिमाचल के किसानों को ज्यादा आमदनी होने की उम्मीद जगी है, जिसके लिए किसान भी काफी समय से इस बिल का इंतजार कर रहे थे।